विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार दलित व अनुसूचित वर्ग के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। मोदी सरकार अनेक योजनाएं इन वर्गों के उत्थान व विकास को समर्पित है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान सम्मान निधि एवं फसल बीमा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के द्वारा देश के अन्नदाता को सम्मान देने का प्रयास मोदी सरकार ने किया है। आज किसान वर्ग के लिए जो राशि केंद्र सरकार दिल्ली से भेजती है वो पूरी की पूरी उनके खाते में आ जाती है, जबकि इससे पूर्व कमीशनखोरी के कारण राशि का 15% हिस्सा ही किसान के खाते में पहुंचता था। केंद्र की मोदी सरकार गरीब को गणेश मानती है और किसी भी योजना का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए समर्पित, तत्पर एवं कटिबद्ध है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब को आवास, मोदी सरकार हर तरह से गरीब व वंचित वर्ग के उत्थान में प्रयासरत है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामकिशन मेघवाल एवं एससी मोर्चा अध्यक्ष सीता राम किराड़, भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने अनुसूचित जाति दलित वंचित वर्ग के उत्थान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया एवं केंद्र की मोदी सरकार की विभिन्न योजनाएं जो इन वर्गों को समर्पित है उनको विस्तार से बताया। सम्मेलन की अध्यक्षता एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष खुशीराम मेघवाल ने की। सम्मेलन में जिला महामंत्री रामोता चौधरी, उपाध्यक्ष रमन गुलाटी, जय आहू राजेश राठी, दालचंद मेहरा, जेपी जाटव, बनी सिंह किराड़, रंजीत बारवाल, राजेश वाल्मीकि, ओम प्रकाश पहाड़िया, जिला मंत्री प्रदीप जैन, मोजपुर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, सचिन पालीवाल आदि मौजूद रहे। ये जानकारी जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने दी।